मोदी सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ 8 राज्यों में हड़ताल। महाराष्ट्र एमपी में ड्राइवर्स ने ट्रक खड़े किए। राजस्थान छत्तीसगढ़ में प्राइवेट गाड़ियां भी नहीं चली। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित। गैंगस्टर लॉरेंस का राइट हैंड। खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कनेक्शन। उज्जैन काशी में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। 16 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। वीआईपी दर्शन बंद। देश में नए साल का जश्न। गोवा मुंबई बेंगलुरु में रात भर चली पार्टी। श्रीनगर के लाल चौक पर पहली बार जबरदस्त भीड़। सीजीआई बोले अयोध्या का फैसला जजों ने सर्वसम्मति से लिया। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा संघर्ष के लंबे इतिहास को देखते हुए फैसला एक राय बने। मनरेगा के लगभग 7.5 करोड़ मजदूर सिस्टम से हटाए गए। कांग्रेस का केंद्र पर आरोप। नए पेमेंट सिस्टम के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा अयोग्य किए गए। मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 19 राज्यों में कोहरा। दिल्ली में 21 ट्रेनें लेट। श्रीनगर की डल झील पर बर्फ की परत। किम जोंग की हत्या की साजिश कर रहा था साउथ कोरिया। रिपोर्ट में खुलासा अमेरिका मदद कर रहा। दोनों देशों की सेना ट्रेनिंग भी कर रही। पाकिस्तान में नए साल के जश्न के दौरान कई जगह हवाई फायरिंग। 11 लोग घायल। संजय राउत बोले गुलामी चुनने वाले हम पर कमेंट ना करें। अजीत पवार ने एक दिन पहले उन्हें तुच्छ कहा था। जम्मू कश्मीर सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। जीरो टेरर प्लान सिक्योरिटी ग्रिड पर चर्चा होगी। एनएसए डोभाल एलजी मनोज सिन्हा शामिल होंगे। भाजपा विधायक का बेटा हत्या के प्रयास में गिरफ्तार। प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश पर स्कॉर्पियो से एक्टिवा को टक्कर मारने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में भारत की प्रगति पर लोगों की राय मांगी। नमो ऐप पर देना होगा रिएक्शन। जगन्नाथ मंदिर में आज से ड्रेस कोड लागू। शॉर्ट्स फटी जीन्स और स्लीवलेस पहनने वालों को नहीं मिलेगी एंट्री। पान गुटखा भी बैन। हमारे बच्चे नए साल का जश्न मना रहे हैं। गाजा में बच्चों को बेरहमी से मारा जा रहा है। वर्ल्ड लीडर्स चुपचाप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी। मुझे उम्मीद है कि आज का नौजवान सोचेगा कि उसे किस तरह खुद को अपने परिवार और अपने मोहल्ले को बचाना है। एकजुटता एक ताकत है, इसलिए एकजुट रहे। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। 2024 भाजपा के लिए स्वर्णिम काल रहेगा। आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष। लोकसभा सीट शेयरिंग के मामले में हमारी बात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से हो गई। शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत का बयान। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। हमें जो भी सीटें मिलेगी उस पर हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान। मीडिया को राहुल गांधी को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए और ना ही हमें। दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह का बयान। एनआईए ने 2023 में देश के खिलाफ काम करने वाले 625 लोगों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने यूके कनाडा अमेरिका में भारतीय दूतावास में हुए हमलों में 43 संदिग्धों की पहचान की। उत्तराखंड में अब बाहरियों का जमीन खरीदना मुश्किल। सरकार ने भू कानून प्रारूप समिति की अगली रिपोर्ट आने तक खरीद की छूट पर रोक लगा दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास मैं खुद निमंत्रण लेकर पहुंचा था। मिपेंद्र मिश्रा सोनिया गांधी को न्योता देने गए थे। अगर वे आएंगे तो उन्हें सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाएगा। वीएचपी के अध्यक्ष।